फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं LIC के शेयर की। LIC के शेयर में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर ने निवेश किया है जो बिल्कुल बाजार के लिए नए, जिन्होंने LIC के ऊपर भरोसा करके ही इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से LIC के पॉलिसी होल्डर है। उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनको भरोसा था कि LIC उनको अच्छा खासा रिटर्न दे देगी कम समय में, यानी तुरंत IPO के लिस्टिंग के समय वो अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। उनकी एक ही मंशा थी कि जो भी प्रॉफिट मिले उसको लेकर निकल जाना, लेकिन वो लोग फंस गए क्योंकि डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई और उसके बाद में स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपनी रकम को बाहर निकाला जाए। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन सामने निकल कर आया। क्या है वो सोल्यूशन, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे, कैसे उनको उनकी रकम मिल सकती है वो भी विद प्रॉफिट, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से टारगेट दिए जा रहे हैं, उनके टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और क्या आने वाले समय में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जिस तरह से लगातार स्टॉक नीचे आया, क्या यहाँ से भी नीचे जाने की संभावना है या फिर यहाँ से बाउंस बैक देगा स्टॉक, क्या आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्या इसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख देना चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म नजरिया उनके लिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया दोनों के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से सारे की सारी स्ट्रेटजी जो भी है उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में क्या संभावना बन सकती है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो जैसे ही ये स्टॉक की लिस्टिंग हुई उस समय आप देखोगे तो बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ गए थे, उसका इफेक्ट देखने को मिला और इस वजह से हमें जबरदस्त गिरावट की सामना ये करने पड़ा। लेकिन अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी गिरावट की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, ये कल्पना से परे। तो क्या इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे लाजमी है या फिर यहाँ पे ये जानबूझ के की गई गिरावट है, क्या आने वाले समय यहाँ पे जबरदस्त तेजी बन सकती है, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार की क्या संभावना बन रही है, क्यों बाजार में गिरावट हो रही है और क्या यहाँ से बाजार बाउंस बैक दे सकता है और उसके पीछे क्या रीजन है, सारी की सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करेंगे। अभी लगभग 12:30 का टाइम है, आज स्टॉक ओपन हुआ 669 पर और 659 का लो बना है और इसका हाई है वो 673 का, लेकिन फिलहाल स्टॉक 659 पर, यानी नीचे की तरफ है, दबाव बना हुआ है और फिलहाल ये अपने लो की तरफ है, करीब 0.81% की गिरावट है। लेकिन अगर एक बात को आप ध्यान से समझे तो 17 जून से ये प्राइस लगभग इसी जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी बनती है, फिर वहाँ पे दबाव आता है, स्टॉक फिर नीचे आ जाता है। इसके पीछे वजह है कि कुछ लोग हैं जो शॉर्ट में खरीदारी करते हैं, फिर वो जल्दी ही बेचने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे अप डाउन होती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक स्टॉक दायरे में है, अभी यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम दिख रही है। अगर आप देखोगे तो 17 जून को इसकी प्राइस 654 के आसपास थी, स्टॉक थोड़ा ऊपर भी गया, फिलहाल उसी जगह के आसपास है। तो उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि 650 का इसका बॉटम है, इससे नीचे फिलहाल जाने की इसकी स्टॉक की संभावना नहीं है। यहाँ पे एक और अच्छी बात यह है कि इसके वॉल्यूम में काफ़ी कमी है, इसका मतलब यह कि लोग यहाँ पे ज़्यादा अपने शेयर बेचना पसंद नहीं करें, लॉस बुक करना नहीं चाहते इस लेवल पर। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 40 लाख का वॉल्यूम था, वन वीक पहले कम होकर 33 लाख रुपीज हुआ, और अगर आप देखोगे तो कल इसका 19 लाख का वॉल्यूम था, अभी 12 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में कमी इस बात का सबूत है कि लोग यहाँ पे लॉस बुक अपना नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पे गिरावट भी आने वाले समय ज़्यादा होती हुई नहीं दिखाई देगी। जो बड़े इन्वेस्टर है वो शांति से बैठे हुए वो अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहे हैं और वही स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो करेंगे एंकर इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 650 इसका 52 वीक का लो बनाए और 949 इसका 52 वीक का, ये फिलहाल स्टॉक 659 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम बाजार की बात करें तो 52,494 का स्तर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 229 पॉइंट की तेजी है। कल भी तेजी थी अच्छी खासी, आज भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ, लेकिन इतनी बड़ी तेजी नहीं है, करीब 0.44% की तेजी, यानी लगभग 0.5% ऊपर है BSE सेंसेक्स। निफ्टी 50 की बात करें तो 15,639 के स्तर पर, जहाँ पे 0.54% की तेजी है। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है इंडियन रुपीज, जो अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है। फिलहाल आप देखोगे तो इसकी जो प्राइस है उसमें जबरदस्त पिटाई हो चुकी है, आज 78.32 पर की प्राइस के आसपास ये चल रहा है और इसमें दिन भर अगर आप देखें तो ये 2 जून को, ये मतलब लगभग 20 दिन पहले जो हमारा इंडियन रुपीज़ था वो 77.38 के आसपास था, यानी उसमें पूरे एक रुपये की पिटाई हुई है। तो ज़बरदस्त दबाव बना हुआ है इंडियन रुपीज़ में और लगातार डॉलर मजबूत हो रहा है, उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो बाजार में सेंटीमेंट थोड़े बिगड़ रहे। और यहाँ पे सबसे बड़ी एक और चिंताजनक बात है कि लगातार FII बाजार से अपना जो भी माल है बेच रहे, लगातार ये बात अलग है कि थोड़ी सी उनकी खरीदारी भी शुरू है लेकिन अभी भी वो बिकवाल बने हुए। कल की ही अगर हम बात करें तो कल उन्होंने 4,603 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 6,922 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा, तो इस तरह से उन्होंने
2319 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली किया कल भी, लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस लगातार बाजार को संभालने की कोशिश करें जिसमें LIC का भी बड़ा योगदान है। अगर कल की बात करें तो कल 5620 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया और 3181 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की गई। तो इस तरह से अगर देखो तो 2438 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया हमारे बड़े फंड हाउस की तरफ से LIC की तरफ से, और इसी वजह से बाजार में हमें सहारा देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक LIC ने बड़ी एक शानदार पॉलिसी लॉन्च की है और इस पॉलिसी की वजह से इनके रिवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि पॉलिसी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये जो पॉलिसी है इसका नाम रखा गया है जीवन लाभ पॉलिसी। इसमें आपको 253 पर डे इन्वेस्टमेंट करना है उसके हिसाब से, ये आपको रोज 253 नहीं डालने हैं लेकिन उसका एक एवरेज बताया गया है। तो 253 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका रोज का होगा। इसके बदले में आपको जब ये मैच्योर हो जाएगी पॉलिसी तो आपको 55 लाख रुपीज़ एक मुफ्त मिल जाएंगे, बहुत बड़ी रकम। अब यहाँ पे इसके लिए आपको एज जो है आपके 25 ईयर के आसपास है, तो मैच्योरिटी पीरियड इसका 25 ईयर का होगा, यानी 50 ईयर पे आपको पैसे मिल जाएंगे करीब 54.50 लाख, यानी 55 लाख के आसपास आपको मिलेंगे और इसके लिए आपको 253 रुपये रोज लगाने होंगे। तो ये पॉलिसी अच्छी है और लोग इसको हाथों हाथ ले सकते हैं और इसकी वजह से इनके रिवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर आप लेना चाहें तो आप भी ये पॉलिसी में इंटरेस्ट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है क्योंकि आने वाले 50 साल में यानी 50 साल में आपके पास एक बहुत बड़ी रकम होगी जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो लगातार टारगेट दे रहे हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से भी इसका टारगेट दिया गया है, गोल्डमैन सैच की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम अगर बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका ने इसमें बाय की रेटिंग दी है, उनका कहना है कि इस लेवल पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने इसका 930 का टारगेट दिया है और उनकी राइटिंग जो रेटिंग है वो बाय की है। उनका कहना है कि आने वाले समय 47 से लेकर 70% की डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है और आने वाले समय ये प्राइस आराम से आ सकती है, उनका कहना है। दूसरी तरफ JP Morgan की तरफ से जो है इसमें ओवरवेट की रेटिंग दी गई है और इसमें बाय की कॉल है, उनकी तरफ से भी निचले लेवल से 44% की डिस्काउंट रेट में बढ़त की संभावना बन रही है। उनका जो टारगेट है वो 840 का है, तो आप देख लो कि JP Morgan की तरफ से 840 का टारगेट दिया जा रहा है। फिलहाल स्टॉक आपको पता ही है 660 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल से 200 रुपये की आप देखने को मिल सकती है। यहाँ पे गोल्डमैन सैच की तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है लेकिन उनका जो टारगेट है वो 700 का है, तो वो काफ़ी नीचे टारगेट दे रहे हैं। उनके हिसाब से इससे ऊपर फिलहाल स्टॉक जाने की संभावना नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि LIC के जो चेयरमैन है मिस्टर कुमार, उनकी तरफ से कहा गया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, LIC बहुत मजबूत है और आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न दे देगी। उनका कहना है कि ये जो गिरावट हुई है, ये लिस्टिंग के बाद में जो स्टॉक नीचे गया, इसके पीछे बाजार जवाबदार है। जो बाजार में लगातार जो गिरावट का माहौल बना था उसकी वजह से हुआ है, न कि LIC के खुद के कारोबार की वजह से, क्योंकि कारोबार बहुत ही मजबूत है, फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है और लगातार बहुत कुछ अचीव कर रही है, इनकी जो ग्रोथ है लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में स्टॉक की प्राइस यहाँ पर रहने की कोई संभावना नहीं, तो उन्होंने एक बड़ी हिम्मत दिखाई है कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिल सकता है। अब यहाँ पे चलेंगे हम उस फॉर्मूले की तरफ जिससे हमें आने वाले समय में जल्द से जल्द यहाँ से एग्जिट होने का मौका मिल जाए विद प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर है यानी जो LIC के पॉलिसी होल्डर है उनको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया था LIC की तरफ से। तो जो IPO की प्राइस थी वो 949 की थी, उसमें से अगर 60 रुपीज़ लेस कर दे तो जो प्राइस निकल के आती है वो 889 की है। अब यहाँ पे जो फिलहाल प्राइस है वो 659 के आसपास है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस लेवल पे उतने ही शेयर खरीदने जितने आपको IPO में लगे थे, तो आपकी जो लैंडिंग प्राइस हो जाएगी वो 1448 की हो जाएगी, यानी 1548 की आपकी प्राइस हो जाएगी, बाइंग प्राइस आपकी जो प्राइस है वो नीचे आएगी। अब यहाँ पे अब 1548 को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो फिर 774 की प्राइस निकल के आएगी, यानी आपकी खरीदारी हो जाएगी 774 की। अब आप देख लो कि फिलहाल स्टॉक 660 के आसपास है, आपकी खरीदारी जो होगी वो 774 की होगी, यानी जैसे ही स्टॉक 800 तक पहुंचा तो आपको 26 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा और आपको एग्जिट होने का मौका भी मिल जाएगा। ये जल्द हो सकता है क्योंकि 950 पे स्टॉक के जाने के में बहुत समय लग जाता है, ऐसे में आने वाले समय हो सकता है कि साल भर भी लग जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे फंसा रहेगा। काफ़ी लोग हैं जो जल्द से जल्द अपनी रकम को निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए फॉर्मूला सही है, आप इस समय खरीदारी करें उतने ही शेयरों की ताकि आपका जो एवरेज नीचे हो जाए तो आप जल्द से जल्द एग्जिट कर पाओगे। मुझे लग रहा है कि 800 की प्राइस इसकी थोड़ी सी अगर तेज़ी बाजार में बनी तो ये 800 को तो आराम से क्रॉस कर जाएगा महीने दो महीने के अंदर ही, तो आपको भी मौका मिल जाएगा निकलने का। तो यही रास्ता है आपके लिए अगर आपको यहाँ से एग्जिट होना है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए भी बहुत ही शानदार तरीका है, इस समय खरीदारी करें और आने वाले समय आपको जल्द से जल्द अच्छा रिटर्न मिले। वैसे अगर आपका नज़रिया साल दो साल का है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी रकम दुगना होती हुई दिखाई देगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि LIC लगातार अच्छा काम करी है। अगर हम इनके रिजल्ट को भी देखें तो इस बार क्वार्टर 4 बहुत ही बेहतरीन पेश किया है,
यहाँ पे रेवेन्यू 2.12 लाख करोड़ रुपीज निकल कर आया। आप जहाँ पे देखो कि 7.96% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 5.11 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की, जहाँ पे 65.39% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.41% है, जहाँ पे 53.50% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि सारे आंकड़े पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कि कंपनी का कारोबार कमजोर नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाजार के सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक नीचा है। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है और निवेश को बनाए रखें, आने वाले समय आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, क्योंकि 53% बाय की कॉल है, 42% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100 में से 58% लोग इसको लेना पसंद करें, यानी जो खरीदार है वो बिकवाली से ज़्यादा। इसका मतलब आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। एक बार इसके पीवोट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 657 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 650 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 641 का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 673 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 682 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 689 तक जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है। अब हम इसके मंथली लेवल पर, इसके पीवोट लेवल को एक बार चेक करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉजिटिव माहौल बना तो ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके जो सपोर्ट है वो 768 का है, जो ऑलरेडी टूटा हुआ है। सेकंड सपोर्ट 725 का, तीसरा सपोर्ट 650 का, जो अभी भी बना हुआ है। तो इसका मजबूत सपोर्ट 650 का है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करना शुरू होगा मंथली लेवल पर तो 886 का फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, इसको पार करते ही 961 तक स्टॉक जा सकता है। और ये सब इसको रेजिस्टेंस को पार किया तो फिर सीधा 1004 का भी टारगेट देखने को हमें मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही स्टॉक के अंदर कुछ करंट आया तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके पीछे एक और वजह है, सबसे बड़ी वजह है एंकर इन्वेस्टर, जिन्होंने इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को रखा हुआ, उनको बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो जो हमने तरीका अपनाया वही तरीका वो अपनाएंगे, निचले लेवल से खरीदारी करके इसकी प्राइस को बढ़ा देंगे और जैसे ही उनकी खरीदारी शुरू होगी स्टॉक बढ़ेगा और जैसे ही ये 1000 के आसपास पहुंचेगा तो वो यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास भी मौका होगा 1000 के आसपास एक बार एग्जिट होने का। और नज़रिया आपका लंबा है तो बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले साल भर में ये स्टॉक 1000 को तो टच कर ही सकता है, तो इसमें बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।